चलो अब तीसरी केस डिस्कस करेंगे हम थर्ड वन यहाँ पे क्वेश्चन है ये देखो तीसरी केस क्या है क्वेश्चन क्या दिया है देखो इसको पढ़ लो आप मैं इसका मीनिंग बता रहा हूं अब यहाँ पे तुम्हारे पास है एक रॉड राइट ये देखो यहाँ पे रॉड है जिसका मास दिया है तुमको कितना मास दिया है भाई कैपिटल यम दिस इज द मास राइट दिस इज कैपिटल यम And its length is L. Now this whole length is your L and it is lying on a horizontal frictionless surface. A particle of mass m, small m, traveling with certain velocity, traveling along the surface hits the end A of the particle. Now this is your end A and this is your end B of the body or rod, rigid body. Now this particle is moving with velocity V0 initially. डायरेक्शन विच इज परपेडिकुलर टू ए बी मतलब इस डायरेक्शन में आ रहा है वो द कोलिजन इज इलास्टिक कोलिजन दार्टिकल्स वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टर द कोलिजन वो केस हम नीचे ड्रॉ करेंगे फाइनल सिचुएशन हम यहाँ पे नीचे दिखाएंगे फाइनल सिचुएशन दिस इज योर फाइनल सिचुएशन राइट दिस इज द इनिशियल सिचुएशन उनके बीच एक लाइन अब ये पार्टिकल कोलाइड होने के बाद रेस्ट में आता है सो दिस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल आफ्टर कोलिजन जिसको हम बोलेंगे इज़ तो ये ट्रांसलेट होते होते रोटेट होते होते आगे जाएगा राइट या ऐसे ट्रांसलेट भी होगा और आगे भी जाएगा राइट दिस फ्री नाउ दिस विल मूव विथ

इनिशियल और फाइनल सिचुएशन इनिशियल एंड फाइनल सिचुएशन राइट अब सबसे पहले मैंने बोला एंगुलर और लीनियर दोनों चीजों का इस्तेमाल करना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ अनियर मोमेंटम यानी ओनली मोमेंटम राइट सो सिंपल right? so, सी बात है दिस इनिशियल मोमेंटम शुड बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम जिसमें पार्टिकल और रॉड दोनों आएंगे राइट इनिशियल मोमेंटम So, इसकी जगह पर मैं क्या लिखूंगा इनिशियल मोमेंटम ऑफ पार्टिकल प्लस इनिशियल मोमेंटम ऑफ रॉड दिस इज योर इनिशियल एंड मोमेंटम ऑफ पार्टिकल प्लस मोमेंटम ऑफ रॉड दिस इज योर फाइनल इनिशियल मोमेंटम ऑफ पार्टिकल अब ऑफ कोर्स ये आके टकरा रहा है मैंने भले ही थोड़ा नीचे दिखाया लेकिन एक्चुअली एक्सट्रीम मतलब एंड को टकरा रहा है ऐसा दिया है इट कोलाइड्स एट एंड ये ऐसा दिया हुआ है राइट 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 तो ये बिल्कुल यहां पे टकराएगा दिस इज योर सेंटर ऑफ मास दिस होल लेंथ कितनी है बेटा रिमाइंड करो मेरे साथ रिमाइंड करना भी इंपॉर्टेंट है कैपिटल एल सो जो आर जो परपेंडिकुलर कि हमको मोमेंटम निकालने के लिए लगता है देखो पार्टिकल का मोमेंटम क्या निकालते हैं मास इंटू वेलोसिटी इंटू आर पर प्लस रॉड के लिए हम क्या करते हैं आई इंटू ओमेगा राइट इज इक्वल टू पार्टिकल को भी आई इंटू ओमेगा अप्लाई होता है राइट right? भूलना नहीं अब गलती हो गई मेरी आई इंटू ओमेगा नहीं क्योंकि हमारा लीनियर मोमेंटम चल रहा है राइट right? सो so इतना सब करने की जरूरत नहीं थी राइट लीनियर मोमेंटम के लिए परपेंडिकुलर की जरूरत नहीं है लीनियर मोमेंटम सिंपली क्या होता है मास इंटू वेलासिटी ऑफ द पार्टिकल जो कि है नॉट प्लस रॉड के लिए मास कैपिटल कैपिटलियम है उसका इंटू वेलासिटी है उसकी जीरो राइट इज इक्वल टू अब फाइनली आफ्टर कोलिजन इसका मास यम है लेकिन इसकी वेलोसिटी जीरो दी गई है देखो जरा इधर ये आफ्टर कोलिजन जस्ट आफ्टर कोलिजन जस्ट आफ्टर कोलिजन बात हो रही है उसके बाद आगे क्या होगा वो आगे देखेंगे लेकिन जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर तो इधर देखो मोमेंटम ऑफ रॉड अब लीनियर मोमेंटम बस पूछा है तो बस मास इनटू लीनियर वेलोसिटी जो कि उसकी है वी टू ठीक है बहुत ही सिंपल है यहां पे कुछ है ही नहीं सो यम बाई यम का रेशो बहुत ही आसानी से आ रहा है तुमको सो यम अपॉन कैपिटल यम कम्स आउट टू बी ओहो बहुत आसानी से नहीं आ रहा देखो फिर भी क्या आता है देखो जरा V2 अपॉन वी नॉट अब ये एक्सेप्टेबल आंसर नहीं है क्योंकि दिस इज नॉट गिवन इन द प्रॉब्लम तो मेरे को उसको निकालना होगा राइट right? इसके लिए हम क्या करते हैं फिर एंगुलर मोमेंटम का इस्तेमाल करते हैं राइट एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन इसको इक्वेशन वन बोलेंगे अब दूसरा नाउ सेकंड थिंग वी विल डू विद द एंगुलर मोमेंटम राइट अप्लाइंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ये जब भी ऐसा आता है तो अबाउट होना चाहिए अबाउट कौन सा पॉइंट अबाउट पॉइंट सी सेंटर ऑफ मास जब कुछ भी नहीं सूझ रहा तब आपको सेंटर ऑफ मास के अराउंड ही लगाना चाहिए वैसे ए के अबाउट भी लग सकते हैं लेकिन कोई बात नहीं है ए के अबाउट हम नहीं लगाएंगे क्योंकि एंगुलर मोमेंटम के अबाउट कंजर्व रहेगा वैसे तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट सी भी कंजर्व ही रहेगा सबसे बढ़िया बात होती है सी के अबाउट लगाओ ए के अबाउट लगाओगे तो कुछ खास रिजल्ट नहीं आएंगे इसलिए मैं उसके अबाउट नहीं लगा रहा और वो पॉइंट मूव भी हो रहा है मतलब रोटेशनल मोशन भी कर रहा है तो सिंपल सी बात है कि ये सी के अबाउट लगाया करो कब लगाना है

तो वही लिखूंगा फिर मैं एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल प्लस जो भी है ये देखो इस तरीके से मैंने लिख लिया ये इनिशियल है और ये फाइनल है राइट ओके चलो आगे चलते हैं अभी हम चलो फिर लिखो अब एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल हमको पता है मास इनटू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इनटू आर परपेंडिकुलर प्लस एंगुलर मोमेंटम ऑफ रॉड रॉड के लिए हम इस्तेमाल करते हैं आई इंटू ओमेगा पार्टिकल को भी आई ओमेगा लिख सकते हैं लेकिन सिंपल है एमवीआर परपेंडिकुलर इज इक्वल टू ये है तुम्हारी इनिशियल कंडीशंस इज इक्वल टू हम इधर लिखेंगे एम वी आर परपेंडिकुलर प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड इनटू ओमेगा अब याद रखना एलसीएम अबाउट सी है तो ये सब कुछ अबाउट सी होगा ओमेगा अबाउट सी सब 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 ठीक है चलो चलो आगे देखते हैं अभी हम इसको अब यहां पे अगर देखो दे, तो इनिशियली रॉड रेस्ट पर है ये जो रॉड है इनिशियली इज एट रेस्ट इनिशियलीस्टोर इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ऑफ रॉड इज जीरो और फाइनली ये पार्टिकल रेस्ट पर है दिख रहा है ना इसलिए फाइनल केस में पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम अबाउट सी विल बी जीरो तो बात खत्म है मास ऑफ द पार्टिकल यहां पे लिख लेता हूं मैं यम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इनिशियली वी नॉट दी है देखो जरा इधर दी है ना वी नॉट राइट

मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड अबाउट सीएम एल स्क्वायर ओ मास उसका कैपिटल एम है बच्चे मास उसका कैपिटल एम है एम एल स्क्वायर बाय 12 इनटू ओमेगा ऑफ द रॉड जो कि मेरे को पता नहीं है ये सी है फिर इससे अब क्या है देखो इसमें अननोन है ओमेगा देखो देखो अब क्या करेंगे बाकी तो सब नोन है तो इक्वेशन क्या आता है मेरा अब मेरे को निकालना है यम बाई यम देखो जरा इधर यम अपॉन कैपिटल यम यहां पे थोड़ा रीअरेंजमेंट कर लो तो क्या आएगा देखो ये यल और ये कैंसिल हो गया तो क्या आता है कैपिटल यम तो नीचे चला गया तो यल इंटू ओमेगा डिवाइडेड बाय ट्वेल्व इंटू वी नॉट और कुछ बचा नहीं बचा राइट समझ रहा है ना इसको मैं इधर नीचे लेके आया और इसको मैं इधर नीचे लेके आया राइट अब यहां भी यम यम आ रहा है देखो मेरा अननोन क्या है अम्बाइम ये तो मुझे निकालना है एक अननोन है फिर ये ओमेगा भी अनएक्सेप्टेबल है क्योंकि ये भी प्रॉब्लम प्रॉब्लम में नहीं दिया है दूसरा अननोन हो गया और ये वी टू भी एक अननोन है तो मेरे को इतने अननोन नहीं चाहिए भाई दो इक्वेशन हो गए तीन अननोन हो गए क्योंकि अम्बाई एम खुद उसको निकालना है तो मेरे को पता है कि ओमेगा हम कैसे निकाल सकते हैं इसको पहले इक्वेशन टू बोल दो तो ओमेगा निकालना बहुत ही आसान होता है हमने देखा है रोटेशनल मोशन में वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल देखो भैया अब अब और अब और कौन सा इस्तेमाल कर सकते हो ये सोचना है क्या कर सकते हो और कुछ दिया है इलास्टिक कोलिजन दिया है तो उसका इस्तेमाल कर सकते हो यानी काइनेटिक एनर्जी को कंजर्व कर सकते हो तुम काइनेटिक एनर्जी को कंजर्व करो या फिर कोई ऑफ रिस्टिट्यूशन का इस्तेमाल करो क्योंकि ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन से ही मतलब रिलेटेड है राइट या अगर आपको कोलिजन में पता है तो तो जब प्योरली इलास्टिक होता है कोलिजन प्योरली इलास्टिक तो ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू कितनी होती है प्योरली इलास्टिक में यस yes, वन होती है राइट सो नाउ आई विल यूज दिस ई ऑफ ऑफ रेस्टिट्यूशन इज नथिंग बट वेलोसिटी पार्टिकल माइनस वेलोसिटी ऑफ रॉड फाइनल एंड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ रॉड माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल देखो जरा उल्टा होता है इधर पी है तो इधर उल्टा है या फिर इधर माइनस लगा के इधर पी और इधर आर भी कर सकते हो तुमको जो भी अच्छा लगता है वो करो लेकिन ऊपर फाइनल होना चाहिए और नीचे इनिशियल होना चाहिए तो इससे मेरे पास क्या आता है इससे मेरे पास क्या आता इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आफ्टर कोलिजन इज जीरो डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मानेंगे माइनस वेलोसिटी ऑफ रॉड आफ्टर कोलिजन ये बहुत इंपॉर्टेंट है वेलोसिटी ऑफ रॉड आफ्टर कोलिजन अब ये नहीं पता हमको जिसको हमने क्या पकड़ा है V2. पता है ना वी टू नहीं सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी को वीटू पकड़ा है इस पॉइंट ए की वेलोसिटी हमको पता होनी चाहिए दिस इज कॉल्ड एज वेलोसिटी ऑफ ए क्विप्रेट ऑफ रेस्टिट्यूशन में रॉड की वेलोसिटी नहीं होती बेटा जिस पॉइंट को ये कोलाइड कर रहा है ना उस पॉइंट की वेलोसिटी ली जाती है सो दिस इज एक्चुअली अब हम कैसे निकाल सकते देखो। हमने already देखा हुआ है। क्या देखा हुआ है देखो? देखो, वही तो मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूं ये जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है इसको मैं जरा इधर नीचे लेता हूं नीचे 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 राइट अप्लाई करेंगे बाद में लेकिन इधर मैं निकाल रहा हूं वो वाली चीज क्या वेलोसिटी ऑफ ए इज नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ सेंटर है चलो भैया कितनी है velocity of A with respect to center of mass, हमने देखा है आर ओमेगा आर ओमेगा होती है राइट सेंटर ऑफ मास के ऊपर बैठोगे तो ये सर्कुलर मोशन कर रहा है ऐसा ही दिखेगा तुमको और ये आर कितनी है दिस इज योर आर दिस इज यू राइट दिस इज योर आर Two, so. omega क्या अब ये एड क्यूं क्योंकि ये भी इधर है और ये भी इधर है दोनों भी एक तरफ है अगर ये ऐसा उल्टा जाता तो सब ट्रैक्ट करना पड़ता वेक्टर फॉर्म है भूलना नहीं सो 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 दिस जो भी डायरेक्शन है आपका आई डायरेक्शन ठीक है ना ये वेक्टर फॉर्म है राइट right? अब मेरे को चाहिए सिर्फ मैग्नीट्यूड तो इस मैग्नीट्यूड को मैं डालूंगा इधर इधर डालूंगा समझ में आ रहा है कुछ समझ में आ रहा है कुछ ऐसे बहुत सारे इक्वेशन जनरेट होते हैं कुछ नहीं होता बस करते जाओ करते जाओ वही 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 के वही इक्वेशन जनरेट होते हैं राइट सो इलास्टिक कोलिजन है तो मैंने ई e की वैल्यू डाल दी वन वेलासिटी ऑफ पार्टिकल इज जीरो इनिशियली एंड ऑफ ए जिसको अब मैं यहाँ पे डाल रहा हूं इसको मैं कट करूंगा यहाँ पे अब देखो वेलासिटी ऑफ पार्ट पारेटी ऑफ ए इज योर प्लस वी टू बाय वेलोसिटी ऑफ ए कितनी है बेटा अभी? फिर, नहीं, राइट तो झीरो और इनिशियल वेलासिटी ऑफ पार्टिकल कितनी थी वी नॉट तो ये तुम्हारे पास आ जाता है और देर विलेशन बिटवीन ओमेगा एंड वी टू राइट तो ये माइनस ये भी माइनस और ये भी माइनस प्लस बन जाएंगे सो तुम्हारे पास आता है v नॉट माइनस मतलब इक्वल टू ये v नॉट इधर मल्टीप्लीकेशन में आ गया ये ओमेगा प्लस वी टू दिस इंप्लाईज क्या देर विशन v टू चलो अब इसको रियरेंज करो तुम खुद ही क्या आता है देखो ओमेगा इक्वल टू डायरेक्टली निकाल लेता हूं मैं ओमेगा इक्वल टू ओमेगा इक्वल टू वी नॉट माइनस वी टू मल्टीप्लाइड बाय टू डिवाइडेड बाय एल लेंथ ऑफ फ्रॉड भूलना नहीं एंगल मोमेंटम नहीं है इसको बोलेंगे हम इक्वेशन थ्री ना दिस इक्वेशन थ्री विल बी पुट इन द इक्वेशन टू देखो जरा इक्वेशन टू जो कि इधर दिख रहा है मेरे को इसको इलिमिनेट करना था तो हम लिखेंगे पुट इन टू और पुट इन टू मतलब टू कौन सा इक्वेशन है भाई ये वाला है ये वाला जो ऊपर से मैंने इधर कॉपी कर लिया अब इसके अंदर डालो तो इसके अंदर डालने के बाद तुम्हारे पास आता है क्या आता है यम अपॉन कैपिटल यम इक्वल टू यल बाय ट्वेल्व इंटू वी नॉट और इस ओमेगा की जगह पर हम डाल रहे हैं ये वाली चीज टू इंटू वी नॉट माइनस वी टू डिडेड बाई यल हो बस बड़े बड़े इक्वेशन है और कुछ नहीं इसको और इसको कैंसिल कर दो तो मेरे पास वीटू के फॉर्म में कुछ तो आ रहा है राइट अभी भी काम खत्म नहीं हुआ यह भी अनएक्सेप्टेबल है लेकिन विटू के फॉर्म में और एक इक्वेशन है इक्वेशन वन लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन करके हमने लाया था राइट तो क्या आता है बेटा तुम्हारे पास यम बाई एम इज नथिंग बट ये टू और ये कैंसिल होगा तो सिक्स हो जाएगा सो यू विल गेट वी नॉट माइनस वी टू और दिस इज योर यम अपॉन यम एंड दिस विल बी कॉल्ड एज इक्वेशन नंबर फोर दिस बी कॉल्ड एज इक्वेशन नंबर फोर नाउ इक्वेशन नंबर वन को रिकॉल करते हैं चलो जरा

एक तो ये सबसे पहले बहुत ही गंदा दिख रहा है मेरे को ये निकालना है ना तो मैं बस इसको क्या लिख देता हूं, हूं रेशियो जो निकालना है मेरे को मतलब इसको आर लिख देता हूं, और इधर भी आएगा तुम्हारा आर तो अब बहुत आसान हो जाएगा तो मेरे पास क्या आ गया देखो वी टू इज इक्वल टू वी नॉट इन टू आर यहां से यहां से इसको मैं करूंगा पुट इन फोर फोर के अंदर डालूंगा फोर इक्वेशन फोर किधर दिख रहा है बच्चा इक्वेशन फोर किधर दिख रहा है तुमको ये देखो ये वाला राइट दिस वन हां अरे इसमें एक छोटी सी गलती हो गई जरा ऊपर देखो इक्वेशन फोर 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 इज फोर बेसिकली गलती यहां पे छोटी सी हुई है आप लोगों ने नोटिस की भी होगी ये जो है ना ये वाला इक्वेशन इक्वेशन ये सेकंड वाला इक्वेशन इसमें क्या गलती हुई थी देखो मैंने यल को एल से कैंसिल किया ये ये टू कैंसिल करने का रह गया तो इधर तुम्हारा सिक्स बनता है और कुछ नहीं यानी ये ट्वेल्व की जगह पर क्या बनाना है तुमको सिक्स वी नॉट दिस वन राइट बस इतनी ही गलती है सो दिस इज योर सिक्स वी नॉट राइट इसको आप कहा डालेंगे तो फिर और एक गलती क्या हो गई कि जब हमने ये वैल्यू निकाली थी ओमेगा की उसको हमने टू में डाला था राइट तो टू बस यहां पे ये चेंज करना होगा तुमको दिस इज योर सिक्स वी नॉट ठीक है तो ऐसा करने के बाद तुम्हारा ये ट्वेल्व की जगह पर सिक्स हो गया अब ये ट्वेल्व का सिक्स हो गया तो ये एक्चुअली कितना होगा तुम्हारा ये थ्री बन जाएगा सो so, दिस इज योर चेंज इधर करेंगे सिक्स और इधर करेंगे हम थ्री फाइनली थ्री हो जाएगा ये सब कट वट 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 वटके राइट right? इधर 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 कितना था बेटे ट्वेल्व की जगह पर सिक्स तो अब ये कटेगा ना इससे ये कटा तो ये थ्री हो गए तो फाइनली तुम्हारे पास ये सिक्स की जगह पर यहां भी थ्री होगा राइट दिस नाउ दिस इज योर इक्वेशन फोर अब इसके अंदर डालने का है राइट right? चलो किसको डालने का है बेटा दिस वी टू इज इक्वल टू हमारा क्या है वी नॉट इन टू आर ये आर तो मैंने बताया चलो अब सो आर इज इक्वल टू इसको मैं लिख रहा हूं आर इक्वल टू वी नॉट माइनस वी टू जिसकी जगह पर मैं क्या डाल रहा हूं ये देखो ये इसको डाल रहा हूं इधर v not into R divided by थ्री into v not right अब क्या आएगा इधर से v not common निकलेगा ऊपर से ये v not वन minus R upon थ्री v not ये कैंसिल हो गया दिस इज योर आर अब इसको सॉल्व करेंगे हम तो ये थ्री तुम्हारा इधर मल्टीप्लिकेशन में आएगा सो थ्री आर इक्वल टू वन माइनस आर तो कितना बचा थ्री आर प्लस आर फोर आर इज इक्वल टू वन सो आर कम्स आउट टू बी वन बाय फोर दिस आर इज नथिंग बट रेशो ऑफ यम अपॉन कैपिटल यम विच इज वन बाय बस काम खत्म दिस इज द रेशो रिक्वायर्ड ओके चलो अब आगे देखते हैं तो पूरा का पूरा सोल्यूशन अगर देखना है तो देखो इतना बड़ा है कितना बड़ा है देखो रे ये रह गया। ये ठीक है चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर बी फाइंड आउट करेंगे हम ये देखो बहुत बड़ा है बब्बा अब इतना निकाला है तो इसके साथ जो पूछा नहीं है लेकिन हम निकाल सकते हैं वो क्या वो क्या निकाल सकते हैं देखो जरा ये निकाल सकते हैं हम इससे ना वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड आफ्टर कोलिजन निकाल सकते हैं कुछ समझ में आ रहा है क्या ये जो रॉड है तुम्हारा ये जो रॉड है ये वाला रॉड कोलाइड होने के बाद इधर से रोटेट हो रहा था और इसको एक वेलोसिटी भी तो है जिसको हमने वीटू बोला था ये भी निकाल सकते हैं हम राइट तो इस इक्वेशन में ये इक्वेशन वन हमने लीनियर मोमेंटम कंजर्व करके निकाला था अब वी टू हमने ये एम बाई एम निकाला कितना है वन बाय फोर है इज इक्वल टू वी टू Upon V0. so this question bolta hai ye wala this one is the next question b chalo padh lo isko bete isko padh चलो अब क्वेश्चन बोलता है तो color कलर पसंद आया ऐसा पॉइंट ढूंढना है हमको इस रॉड के ऊपर जिसकी वेलोसिटी जस्ट आफ्टर कोलिजन जीरो है अब देखना बेटा बहुत ही सिंपल सी चीज है बहुत ही सिंपल सी चीज है क्या है ये है तुम्हारे पास कौन? ये रॉड है कोलिजन के बाद इसका सेंटर ऑफ मास v2 वेलोसिटी से जा रहा है अब ऑफकोर्स ये इस तरीके से ओमेगा कर रहा है दिस इज द ओमेगा क्लॉकवाइज ओमेगा तो ऊपर वाले सभी पार्टिकल की हर किसी की वेलोसिटी कैसी होगी वेलोसिटी ड्यू टू ट्रांसलेशन v2 प्लस वेलोसिटी ड्यू टू रोटेशन जो कि आरओ में होती है ये हमने देखा है राइट टोटल वेलोसिटी इन रोलिंग मोशन क्या होती है बेटा टोटल वेलोसिटी 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 इज ड्यू ड्यू टू टू ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन ऐसा हम निकालते हैं राइट तो ऊपर अगर देखा जाए तो ट्रांसलेशन की वजह से भी आगे ही जा रहा है और रोटेशन की वजह से भी आगे ही जा रहा है लेकिन नीचे वाला पार्ट अगर देखोगे तुम लोअर पार्ट तो इस पॉइंट को मान लो पी मानता हूं मैं तो ट्रांसलेशन की वजह से इसकी वेलोसिटी इधर होगी v2 है ना सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी होती है वही होती है और रोटेशन की वजह से ये इधर जाना चाहेगा एंड दैट विल बी सम r ओमेगा वेयर r इज दिस डिस्टेंस ये हमने देखा है सेंटर ऑफ मास के ऊपर बैठ के देखो तो ये r के इस यहां पे ऐसा सर्कुलर मोशन करता हुआ दिखाई देता है राइट ये अलग अब इसको हमने बोला पार्टिकल p दिस इज योर पार्टिकल p ठीक है और इसका डिस्टेंस है लेटेस्ट से यहां से आर दिस इज द आर डिस्टेंस राइट यही तो हमको निकालना है डिस्टेंस ऑफ आर सॉरी एपी डिस्टेंस मतलब ये पूरा का पूरा निकालेंगे अरे देखो बाद में निकालेंगे यार इसको क्या है आर प्लस एल बाय टू लगा दो क्योंकि ये यह यहां से यहां तक एल बाय है चलो 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 ये पहले तो इस आर को निकालो अब हमने देखा है कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पी इज

देखो इस वेलोसिटी को हम और एक तरीके से निकालते हैं। वेलोसिटी ऑफ पी इज वेलोसिटी ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ये भी तो देखा है अब वेलोसिटी ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास सर्कुलर मोशन की तरह होगी आर ओमेगा प्लस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास होगी वी टू ये वेक्टर के फॉर्म है बच्चे तो स इसको तुम मैग्नीट्यूड के फॉर्म में अगर लिखोगे तो ये माइनस आर ओमेगा होगा और इसको लिखेगा तो क्या होगा ये ये तो प्लस वी टू होगा क्योंकि हमने इस डायरेक्शन को पकड़ा है। right? समझ ये भी तरीका है या फिर ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन करो ठीक है लेकिन वेक्टर ट्रीटमेंट देना पड़ेगा तो ये क्या होगा आगे आगे क्या होगा आगे क्या होगा रे आगे होगा ये वी टू या फिर आर ओमेगा इज इक्वल टू आर ओमेगा इज इक्वल टू वी टू अब मेरे को आर आ गया मेरे पास <coughs> लेकिन मेरे को आर चाहिए एक्सेप्टेबल टर्म्स में ना ओमेगा के फॉर्म में ना वी टू के फॉर्म में अब अभी तो मैंने लिखा अभी तो हमने निकाला कि वी टू इज वी नॉट बाय फोर एंड ओमेगा इज ओमेगा का रिलेशन हमने अभी निकाला था ये ये थर्ड इक्वेशन भूलना नहीं भूलना नहीं ये वाला थर्ड इक्वेशन जो मैंने पिछले वाले प्रॉब्लम से बस कॉपी कर दिया है कुछ नहीं किया कुछ भी नहीं किया ठीक है बिल्कुल टेंशन नहीं लेना बिल्कुल ही टेंशन नहीं लेना ओमेगा का इक्वेशन अब इन दोनों को डाल दो ठीक है तो बच्चा आर इंटू ओमेगा ओमेगा क्या है देख टू इंटू वी नॉट माइनस वी टू लेकिन अब v2 की जगह पर भी मैं v0 4 डाल रहा हूं ये देखिए इधर 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 क्योंकि अभी बहुत टाइम पास हो गया v0 4 डिवाइडेड बाय l समझ में आ रहा है कुछ ये हो गया r और ये पूरा का पूरा तेरा है ओमेगा कुछ समझ में आ रहा है ये पूरा का पूरा है ओमेगा इज इक्वल टू v2 v2 क्या है तेरा v0 4 ओहो तो देख अभी इधर से v0 कॉमन निकालो यार ये r l ये देख r l और अंदर क्या है अंदर है तुम्हारा टू इंटू वी नॉट कॉमन निकला हुआ टू इंटू भी नॉट और अंदर जो बचा वन माइनस वन बाय फोर इज इक्वल टू वी नॉट बाय फोर ये भी कैंसिल हो गया और आगे क्या आया आर l तो सॉल्व करते जाओ सॉल्व करते जाओ इस तरीके से आएगा और फाइनली तुम्हारा आएगा आर इसको भी अगर सॉल्व करोगे क्या हो गया इसको आर इज इक्वल टू ये और ये कैंसिल हो गया तो ये नीचे आया थ्री इधर नीचे आया तो तेरा बेटा एल बायस दिस इज एट डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ये देखो यहाँ ये यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है वो है एल बाय सिक्स ये सी से और ऊपर का डिस्टेंस कितना है बच्चा एल बाय टू दिस इज यल बायस तो टोटल डिस्टेंस ए टू दिस पॉइंट पी कितना हुआ ए पी इज इक्वल टू एल बाय टू प्लस एल बाय सिक्स सो टोटल इज इसका कितना आता है एड करो भैया तो so, सिक्स ये थ्री एल प्लस एल यानी फोर एल बाय सिक्स यानी टू एल बाय थ्री दिस ए पी इज योर टू एल बाय थ्री लास्ट प्रॉब्लम लास्ट प्रॉब्लम देखने से पहले हम एक काम करेंगे ये ओमेगा भी निकाल लेते हैं लगे हाथ ठीक है ना ये ओमेगा कैसे आएगा रे बच्चे ओमेगा इज इक्वल टू वी नॉट दिख रहा है मेरे को ये तीसरा इक्वेशन है ना और वी टू कितना आया था मेरा नॉट और ये डिवाइडेड बाय चलो इसको सॉल्व करके देखो कितना आता है चलो सॉल्व करने के बाद तुम्हारे पास ओमेगा की वैल्यू ये आ जाती है इसको याद रखना है दिस विल बी कॉल्ड एज इक्वेशन फोर कितना हुआ भाई अभी तक फाइव फाइव वगैरह बोल देते हैं राइट अब लास्ट पार्ट मूविंग टूवर्ड्स पार्ट ऑफ द इक्वेशन सॉरी क्वेश्चन थ्री बाय टू एल इसको भूलना नहीं ये काम आएगा थ्री वी नॉट बाई टू एल लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन ये ये है ये जो हमने पॉइंट पी फाइंड आउट किया था जिसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी इसकी पा एल बाय

ये कोलाइड होने के बाद ये रॉड ऐसा घूमेगा और आगे भी जाएगा यानी ऐसा घूमते 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 आगे जाएगा राइट तो थोड़ी देर के बाद कुछ थोड़ी देर के बाद मतलब बेसिकली अब रॉड समझो ऐसा ही है इतना ही निकाला मैंने लाइन थोड़ी देर के बाद ये रॉड ऐसा हो जाएगा भूलना नहीं इसका सेंटर ऑफ मास स्ट्रेट लाइन में जाएगा स्ट्रेट लाइन में स्ट्रेट बिल्कुल स्ट्रेट ठीक है थोड़ी देर के बाद ये रॉड ऐसा होगा फिर ऐसा होगा फिर ऐसा होगा राइट

जब उसके पाथ को परपेंडिकुलर कोई फोर्स लग रहा हो या फिर फोर्स का ऐसा कंपोनेंट हो जो कि परपेंडिकुलर हो यानी इसके ऊपर कुछ इस तरीके से फोर्स लगना चाहिए इस तरीके से जो कि इधर इसको लीनियर वेलोसिटी देगा और ये उसका डायरेक्शन चेंज करेगा ये दो कंपोनेंट होते हैं उसके राइट ये सब बेसिक बातें हैं अब राइट अब एक तो ये कोलिजन है मतलब वन टाइम फोर्स लगा है वो भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सो इट इज द सेंटर ऑफ मास इज गोइंग टू गो इन अ स्ट्रेट लाइन बट द रॉड इज गोइंग टू रोटेट

ठीक है ना देखो ये थ्री वी नॉट बाय टू यल दिस इज ओमेगा और टाइम कितने टाइम के बाद बोला है देखो जरा ये देखो ये टाइम है आफ्टर टाइम ये तो बोला है ना आफ्टर टाइम पाएल अपॉन थ्री वी नॉट तो ये थ्री वी नॉट और ये कैंसिल ये यल और यल कैंसिल सो एंगल ट्रेवल्ड बाय द रॉड इज पाए बाई टू मतलब रॉड तुम्हारा इनिशियली ऐसा था और इतने टाइम के बाद ये रॉड ऐसे बन गया है ना 90 डिग्री ट्रेवल किया ये जो तुम्हारा पॉइंट ए और बी था ये इधर ए और बी है ये तुम्हारा पॉइंट सी है एंड दिस पॉइंट पी जिसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, अब वो यहां पे आ गया अब इस सिचुएशन में अभी भी सेंटर इधर ही जा रहा है लेकिन रोटेशन की वजह से देखो अभी ये ट्रांसलेशन की वजह से इसकी वेलोसिटी v2 होगी जो कि हमने देखी है आफ्टर कोलिजन, राइट? सो ट्रांसलेशन की वजह से इस पार्टिकल की इधर वैल्यू वेलोसिटी v2 ही होगी v2 ही होगी, राइट right? लेकिन रोटेशन की वजह से जरा इमेजिन करो और बोलो ये इस तरीके से रोटेट हो रहा है अबाउट सी तो ये अफकोर्स किधर होगी बेटे इधर दिस इज वेलोसिटी ड्यू टू रोटेशन जो कि होती है तुम्हारी आर इंटू ओमेगा और आर क्या होता है यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो कि हमने निकाला है लास्ट वाली प्रॉब्लम में राइट एंड दिस इज फाउंड राइट अब देखो अब ये 90 डिग्री पर है एक तो नेट वेलोसिटी नेट वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पी विल बी स्क्र रूट ऑफ रोटेशनल वेलोसिटी स्क्वेयर प्लस ट्रांसलेशनल वेलोसिटी स्क्वेर राइट right? 90 डिग्री है तो आगे वाली टर्म्स का कोई मतलब नहीं होगा बचता तो रोटेशनल वेलोसिटी का स्क्वायर रोटेशनल वेलोसिटी कितनी है बेटा आर ओमेगा अब ओमेगा की वैल्यू भी डाल दो इसको आर है तुम्हारा यल बायस और ओमेगा कितना है ओमेगा कितना है भूलना नहीं यही तो है तुम्हारा ओमेगा दिख रहा है क्या ये ये देखो इधर डाला है कितना है कितना है कितना है थ्री वी नॉट बाय टू यल सो तुम्हारा यल और यल कैंसिल हो गया थ्री टू ये तो वी नॉट बाय फोर है बच्चा v नॉट बाय 4 है so, सो ये v नॉट बाय 4 का स्क्वायर और हमने ऑलरेडी ये v ट्रांसलेशनल वेलोसिटी यानी कि v2 यानी कि v2 दैट इज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑलरेडी निकाल ली है हमने और वो भी कितनी है v नॉट बाय 4 है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा तो ये आंसर आता है तुम्हारे पास आ जाता है ये आंसर v नॉट बाय 4 root √2 जिसको हम लिखेंगे v नॉट रूट टू और फोर को लिखेंगे टू इंटू टू तो ये टू और ये टू कैंसिल होने पर रूट टू बचेगा सो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल p आफ्टर टाइम कितना बोला है देख ये भी पाई एल बाय थ्री वी नॉट इज गिवन बाय वी नॉट बाय टू रूट टू इस तरीके से इसका सोल्यूशन हो गया राइट right? ओके okay.